हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में हुए सैनिटाइजर व वेंटिलेटर घोटाले को लेकर दर्ज मुकदमों पर हमीरपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद व कांग्रेसी नेता सुरेश चंदेल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रदेश में हो रहे घोटालों पर आपराधिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज कर हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा कार्रवाई करने की मांग उठाई है। साथ ही सुरेश चंदेल ने ACC कंपनी द्वारा धुन कोठी के समीप 16 बीघा जमीन पर 550 पेड़ों पर अवैध रूप से आरा चलवाने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। कोरोना वायरस के चलते जहां हिमाचल प्रदेश में 30 जून तक कर्फ्यू लागू है, तो वहीं कर्फ्यू के बीच हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में हुए सैनिटाइजर व वेंटिलेटर घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार प्रदेश सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। हमीरपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद व कांग्रेसी नेता सुरेश चंदेल ने स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों पर सरकार द्वारा उचित मुकदमे दर्ज न किए जाने की बात कहते हुए इन मामलों पर आपराधिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज कर और हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा कार्रवाई करने की मांग की, ताकि प्रदेश में हुए विभिन्न घोटालों की वास्तविकता सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। घोटालों में महंगे दरों पर इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं और उस सब की वीडियो सार्वजनिक हो रहे हैं, लेकिन इस विषय को हुए कई दिन हो गए और ऐसा लगता है कि सरकार ने जो मुकदमे भी दर्ज किए वो भी ठीक ढंग से नहीं किए। ये एक आपराधिक षड्यंत्र था। आपराधिक षड्यंत्र के तहत 120B के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। विजिलेंस की जांच में से बीच में कुछ बातें आती रही कि डायरेक्टर साहब की लोकेशन भाजपा कार्यालय की तरफ मिली उस दिन, तो उसकी विस्तृत जांच अभी तक नहीं हुई। किस नेता ने स्वास्थ्य निर्देशक को एक्सटेंशन देने के लिए चिट्ठी लिखी थी, ये सारी चीज़ें गोलमोल तो आती रही लेकिन स्पष्ट रूप से अभी तक जाँच में बाहर नहीं आ रही। सरकार ने सैनिटाइजर्स के अंदर घोटाला हुआ, उसमें एक मामूली सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड करके मुझे लगता है सरकार ने उसकी इतिश्री कर दी, जो कि 50 रुपए के रेट्स को 130 रुपए करने लिखने का काम कर रहे थे, इस तरीके का उन्होंने काम किया। वेंटिलेटर्स की खरीद में सारे रेट्स डिफरेंट खरीदे गए, तो ऐसा लग रहा था जैसे सरकार के अंदर कुछ लोग अलग अलग जगह से अलग अलग लोग सप्लाई कर रहे थे और मनमाने रेटों पर वो सप्लाई करवा रहे थे। हम तो चाहते हैं कि केवल इन्हीं मुद्दों की जांच ना हो, वेंटिलेटर सैनिटाइजर और ये जो किट्स हैं इन्हीं की इंक्वायरी ना हो। ये यदि 120B के तहत मुकदमा दायर होगा तो जो पीछे भी खरीदें हुई होंगी, जिसमें भी घोटाले हुए होंगे जो सार्वजनिक नहीं हो सके, उनको भी बाहर लाना चाहिए ताकि लोगों के सामने सारी बातें आ सके। पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने धुन कोठी के समीप ACC सीमेंट कंपनी द्वारा 10 बीघा जमीन खरीद के बावजूद 16 बीघा जमीन पर अवैध रूप से 550 पेड़ों पर आरी चलाने का आरोप लगाते हुए मामले के लिए आए जांच अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। सुरेश चंदेल का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग व वन विभाग में सरेआम घोटाले किए जा रहे हैं, मगर प्रदेश सरकार मामलों पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय लीपापोती कर मामलों को दबाने में लगी हुई है। धौन कोठी के पास जो ACC ने लैंड लिए 10 बीघे, ऐसी जानकारी मिली है कि 16 बीघे से वहां पेड़ कटे हैं, लगभग 550 से ज़्यादा पेड़ कटे हैं और पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको हशप करने में लगा हुआ है। अभी हमको जानकारी मिली है कि जो अधिकारी यहाँ चेकिंग के लिए आए हैं, जांच के लिए आए हैं, वो भी ACC रेस्ट हाउस में जाकर के ACC की दावतों में व्यस्त हैं, तो जाकर के क्या जांच होगी और क्या वो होगा। और ऐसा मुझे लगता है कि जो लकड़ी वहाँ से पकड़ी गई है वो सारी लकड़ी भी गायब कर दी गई है, ऐसी जानकारियाँ लोगों से मिल रही हैं। ये बड़ा दुखद है और ऐसा लगता है कि कानून नाम की चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में लॉकडाउन के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व नेता जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।